आप भी क्या पख्तून हैं? जैसे हम दूसरे खान देखते हैं बॉलीवुड के, सलमान है, शाहरुख, ये लोग कहना भी जाते हैं, शाहरुख खान ने कई बार कहा चंगेज खान से अपना वो, हाँ हाँ, तो आप क्यों भाग रहे हैं उस चीज से, आप उस पहचान से क्यों? मैं बिल्कुल नहीं भाग रहा हूँ जनाब, मैं इस बात को परिभाषित करना चाहता हूँ कि आपकी आइडेंटिटी रिडिफाइन करना चाहता हूँ। आपकी आइडेंटिटी आपका काम है, आपका कर्म है, ना कि आपका खानदान, ना कि आपका रिलीजन, ना कि आपकी जाति। ये जो है एक कहीं ना कहीं आज तक हम उस ट्राइबल फीलिंग को साथ लिए घूम रहे हैं कि मैं, हमारा क्लैन ये है जी। अच्छा, अब इस क्लैन के कितने लोग हैं, जितने लोग हैं उतना पावर है, तो ये और ये सब ट्राइबल थिंकिंग है आज तक हम अपने साथ लेके घूम रहे हैं। मेरा काम मेरी पहचान है। अभिनेता इरफान खान की धर्म और अपनी पहचान को लेकर ऐसे विचारों की जड़ें बेहद गहरी हैं, जिसकी शुरुआत मुल्क ईरान से होती है। दरअसल सैकड़ों साल पहले मध्य पूर्व एशिया से इरफान के पूर्वजों ने भारत का रुख किया था। इरफान का कहना है कि उनके पूर्वज ईरान की तरफ से सबसे पहले अफगानिस्तान आए थे, जहां से उन्होंने आगे भारत का रुख किया था। ये उस दौर की बात है जब भारत पर अंग्रेजों की हुकूमत थी। जाहिर है इरफान खान के पूर्वज अफगानिस्तान से आगे पेशावर होते हुए भारत पहुंचे थे, और फिर आगे उन्होंने राजस्थान की एक देसी रियासत टोंक में अपना आखिरी पड़ाव डाल दिया था। राजस्थान के शहर टोंक की शक्लो सूरत अब काफी बदल चुकी है, लेकिन सैकड़ों साल पहले जब इरफान के पुरखों ने यहां पहली बार अपने कदम रखे थे, उस वक्त टोंक ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों के अधीन एक देसी रियासत थी। इरफान खान के मुताबिक उनके पूर्वजों को ब्रिटिश हुकूमत ने टोंक का एक इलाका दे दिया था, और इस तरह टोंक में उनका खानदान आबाद हो गया था। मैं आज भी जाता हूं अपनी जगह पे टोंक, जहां से हमारा खानदान शुरू हुआ, टोंक शुरू नहीं हुआ बट काफी पीढ़ियां गुजरी हैं वहां, तो वहां आज भी लोग जो हैं पास्ट में जी रहे हैं। आज भी लोग उन्हीं किस्सों को दोहराते रहते हैं, कैसे हमारे पीढ़ी, हमारे दादाओं परदादाओं ने कैसे कैसे काम किए हैं। तो मुझे हमेशा ये लगता था कि हम क्या सिर्फ पास्ट में खो के रह गए हैं। और आपको अगर इसलिए, जब मैं शुरू शुरू में इंडस्ट्री में आया था तो लोग बोलते थे कि, कभी कोई कुछ कॉन्डेसेंडिंग तरीके से ही बोल सकते थे कि अच्छा आप भी खान हो, मतलब जैसे मैं लाइन में लगा हूँ कोई खान की, कि अच्छा ये नवाब फैमिली से हैं, अच्छा ये हैं, ये फलाना है। तो मुझे ये जितने जो आपको विरासत में मिले हैं, चाहे वो आपकी जाति हो, चाहे वो आपका धर्म हो, चाहे वो आपका खानदान हो, चाहे वो आपका सरनेम हो, मुझे इन सब से जो है थोड़ी शिकायत है। शिकायत नहीं है, मैं उस तरह से जाना नहीं जाना चाहता हूँ। मेरी आइडेंटिटी मेरा पास्ट नहीं है, मेरी आइडेंटिटी मेरा कर्म है। मैं जो काम कर रहा हूँ उससे मुझे पहचाना जाए, चाहे आप फिर उसमें मेरा नाम भी हटा दीजिए इरफान, मेरा कुछ भी नाम रख दीजिए आप, चलेगा मुझे। नवाबी रियासत रही टोंक में पैदा हुए अभिनेता इरफान खान बॉलीवुड और हॉलीवुड में अपना एक अलग मकाम बना चुके हैं, लेकिन आज भी जब कभी वो राजस्थान जाते हैं तो टोंक जाना नहीं भूलते। इरफान का दादीहाल और नानीहाल दोनों ही टोंक में है, इसलिए वो अक्सर यहां अपने रिश्तेदारों के बीच समय गुजारते हैं। हालांकि इरफान की शिक्षा और उनकी परवरिश राजस्थान के जयपुर में हुई, लेकिन उनके रिश्तेदार बताते हैं कि उनका शुरुआती बचपन पतंगबाजी करते हुए टोंक की गलियों में ही गुजरा है। इरफान के रिश्तेदारों का यह भी कहना है कि बचपन से ही मस्त मौला रहे इरफान का धर्म को लेकर भी गहरा लगाव रहा है। मुझे लगा अब लोगों में इतनी जगह है सुनने की, हमारे लोग जो है सही बात समझेंगे, लेकिन उसमें इतने फिरके हो गए कि। अभिनेता इरफान खान का ये दर्द उस वक्त सामने आया जब मुसलमानों के त्योहार बकरीद को लेकर दिए गए उनके बयान पर विवाद खड़ा हो गया था। 29 जून को इरफान अपनी फिल्म मदारी का प्रमोशन करने जयपुर पहुंचे थे। यहां उन्होंने कहा कि लोग कुर्बानी का मतलब भूल गए हैं, बाजार से दो बकरे खरीद कर लाना और उन्हें काट देना कुर्बानी नहीं होती है, अपनी सबसे प्यारी चीज किसी को देना कुर्बानी होती है। कि किसी और की जान लेने से उसको कैसे सवाब मिल जाएगा, उसको दिल में कैसे पहुंचेगा? आप जान किसी और की ले रहे हो,
आप कुर्बान उसको कर रहे हो तो आपको पुण्य कैसे मिलेगा भाई? ये कॉमन सेंस है। इसलिए मैं मेरा कहने का मतलब यह था कि हमारे जितने फेस्टिवल्स हैं, जितने रिचुअल्स हैं, उनको हमें गौर से उनका मतलब समझना चाहिए कि वो किस लिए बनाए गए थे।